बाहर में जाकर जब आके हम पेंटिंग बनाया करते थे, लोग मुझे पागल भी समझते थे और बहुत हमें लोग झाड़फूँक भी करवाए कि कलीम राही पहाड़ में क्यों जाके अपना पेंटिंग बनाया करता है या चुपचाप पहाड़ में क्यों रहता है। लेकिन मैं उसे मैं एक शायरी का रूप भी दे दिया कि ना समझ के लिए बेकार समझदारों के लिए गज़ल है, बदन पे लागे तो काला दाग और वही आँखों में लागे तो काजल है, और जिसने समझा उसने समझा, जिसने नहीं समझा उसके लिए कलीम राही आज भी पागल है। त्याग बहुत जरूरी है, जैसे कि बेजान पत्थरों का भी तकदीर समर सकती है, शर्त ये है कि उसे तरीके से तराशा जाए। जब एक पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना दिया गया तो लोग उसे पूजने लगा, उस पत्थर को अगर ताजमहल का रूप दे दिया गया तो पूरी दुनिया के लोग उसे देखने लगा, उस पत्थर को अगर माला बना दिया गया तो ऊपर वाला का नाम जपने लगा। जब एक पत्थर को तराशने पर उसका तकदीर समर सकता है तो हम इंसान अगर खुद को तराशेंगे तो क्यों नहीं हमारा तकदीर समर। बचपन से ही इसका कलाकार हम माने देखते आ रहे हैं, और भी गांव वाला और जो जितने भी अगल बगल में हैं, ये जितना भी इसका कला देखा सब आकर्षित हैं अभी भी, और अभी भी इसका पूरा प्रचलित है गांव-गांव में। जो कोई भी माने ये बनाता है ये फोटो उटो तो छवि इसके लिए इसका नाम सबसे मैंने आगे है कलीम राही।